जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार पर गहन मंथन। गोविंद मेघवाल, मुमताज मसीह, रीटा चौधरी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। अब डोटासरा अपनी टिप्पणी कर प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजेंगे रिपोर्ट। तीनों ने रिपोर्ट में हार के लिए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को बताया जिम्मेदार। साथ ही विधायक सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा की है। 5 और 6 जुलाई के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। जिस तरीके से 5 और 6 जुलाई को जो घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर आलाकमान जो है वो गंभीर नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार पर गहन मंथन किया गया। गोविंद मेघवाल, मुमताज मसीह, रीटा चौधरी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। अब डोटासरा अपनी टिप्पणी कर प्रदेश प्रभारी अजय माकन को रिपोर्ट भेजेंगे। तीनों ने रिपोर्ट में हार के लिए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार बताया है। साथ ही विधायक सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। 5 और 6 जुलाई के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार पर गहन मंथन। गोविंद मेघवाल, मुमताज मसीह, रीटा चौधरी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। तो वहीं अब डोटासरा अपनी टिप्पणी कर प्रदेश प्रभारी अजय माकन को रिपोर्ट भेजेंगे। तीनों ने रिपोर्ट में हार के लिए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार बताया है। साथ ही विधायक सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा की है। 5 और 6 जुलाई के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जीती हुई बाजी जो है वो कांग्रेस हार गई, और तो ऐसे में आलाकमान जो है वो गंभीर है। हर एक तरीके से इस पूरे मसले पर चिंतन किया जा रहा है, मंथन लगातार जारी है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट है अब वो आलाकमान तक पहुंचेगी। तो कांग्रेस की हार जो हुई जिला प्रमुख चुनाव में, तो उसको लेकर ये गहन मंथन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अदिति, इस पर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बड़ा मसला था जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार का ये मामला था, और ये जो हार का मामला था जिस तरीके से हुआ इसको आलाकमान तक भी पहुंचा और उस पर अजय माकन ने रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि गोविंद मेघवाल और मुमताज मसीह ने पीसीसी की जो है रिपोर्ट सौंप दी है। उनको ये कहा गया था, वो एक उसमें से इंचार्ज थे, जनता के 3-4 तमाम लोग थे, उनसे कहा गया था कि ये जो 2 दिन 4, 5 और 6 सितंबर को जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा ब्यौरा हुआ है, उसकी रिपोर्ट दी है। तो गोविंद मेघवाल और मुमताज मसीह ने पीसीसी चीफ को रिपोर्ट, बाहर की रिपोर्ट है वो सौंप दी है, और ये जो संयुक्त रिपोर्ट है उसमें हार के कारणों के लिए वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार बताया गया है। साथ में उस रिपोर्ट में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। और अब पीसीसी चीफ ने अपनी टिप्पणी के साथ कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट है जो वो सौंपेंगे, वो उस जो पूरी संयुक्त रिपोर्ट है उस पर वो टिप्पणी देंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, और वो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आलाकमान फैसला लेंगे कि अब इस पर जो कार्रवाई करनी है वो किसके खिलाफ करनी है, कितने लोगों के खिलाफ करनी है, और आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है। ऐसे में ये पूरा मसला है जहाँ कांग्रेस के जो 2 जिला परिषद मेंबर का पाला बदलने पर जो प्रदेश प्रभारी माकन है अजय माकन, उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, और अब वो रिपोर्ट कल तक दिल्ली पहुंच जाएगी। उससे पहले उस संयुक्त रिपोर्ट पर पीसीसी चीफ अपनी टिप्पणी लिखेंगे और उसके बाद आलाकमान को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। बिल्कुल अदिति, और इस पूरे मसले पर वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई होगी और गंभीर कार्रवाई होगी। ऐसे में जहाँ पे क्योंकि अगर आलाकमान का ये मानना है कि अगर लगातार ऐसे एपिसोड होते रहेंगे और ऐसे इनको माफ कर दिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तो फिर ये दोबारा रिपीट होंगे। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी आलाकमान तय करेगा, किस तरह का मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो पंचायत चुनाव है, आगे और भी चुनाव आएंगे। आपसी रंजिश में, आपकी नाराजगी में अपनी पार्टी में जीतती भी चुनाव को हरवा देते हो, और ये तो बहुत गंभीर मामला था जहाँ कांग्रेस ने पूरे तरीके से जीत चुकी थी 27
वोट आ चुके थे और ऐसे में दो क्रॉस वोटिंग हो गई, जिम्मेदारी खुद वेद प्रकाश सोलंकी की थी। तो आगे भविष्य में ऐसा ना हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए वेद प्रकाश सोलंकी के ऊपर कार्रवाई होगी। किस स्वभाव की कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, उसका क्या नेचर होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि इस पूरे मसले पर आलाकमान बेहद नाराज है और इस पे गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे से ये उजागर हो गया कि अभी भी पायलट कैंप और गैलन कैंप के बीच चीजें ठीक नहीं है और अभी भी कांग्रेस में जो इनकी स्थान को बार बार जो अंडर द कवर टेक्निक कोशिश की जाती है वो सब कुछ बार बिखर कर सामने आ गया और एक बहुत बड़ी चुनौती और प्रश्न चिन्ह अजय माकन के ऊपर भी एक बार फिर लग गया। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।